Hello students, I am Shikha Tiwari and I am from IMS UC campus, Azawar. And in today's lecture, we are going to discuss structures in C programming. Before starting structures in C programming, let us revise a little bit of array. We have already discussed array earlier and I hope you have already learned about array before starting the structure in C programming. So basically what we have learned in array is that it is a basic type of a structure in which we have homogeneous kind of data. जिसमें आप similar kind of data को store करा सकते थे वो होता था आपका array. And structure is just opposite of this is a structure and this is just opposite of array. In structure, what we can do is we can group different type of data together. जैसे array में आप integer type का ही data set store करा सकते थे. आप अगर float kind of data है तो सारा float kind of data ही उसमें present रहता था. But structures में क्या है, जब आप एक structure बनाते हैं तो उस एक single structure के अंदर ही आप multiple different kind of data को डेटा टाइप्स को स्टोर करा सकते हैं. जैसे आपने इसमें स्ट्रक्चर एम्प्लॉय क्रिएट किया है, स्ट्रक्चर एम्प्लॉय, इस एम्प्लॉय के अंदर उसका एम्प्लॉय नेम भी है, एम्प्लॉय का नंबर भी है, एम्प्लॉय एड्रेस भी है एंड उसका बेसिक सैलरी भी है. एम्प्लॉय नेम जो कि आपका कैरेक्टर टाइप का हुआ, एम्प्लॉय नंबर विच विल बी ऑफ इंटीजर डेटा टाइप, एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉय विल बी इन कैर दैट इज कैरेक्टर ऑल्सो एंड बेसिक सैलरी इज इन फ्लोट. So, if you want to do this same thing in array, it will not be possible because it's a homogeneous data type you can create. Kar sakte hain. But in structure, what do? We group different data types together. So, this is the basic introduction of structure, that a structure is a user-defined data type, jisme aap different data types ko collectively group karte hain. Isko अगर आपको बेसिक सिंटेक्स जानना होगी किस तरह से होता है तो ये इसमें सिंटेक्स देख सकते हैं आप, इसमें स्ट्रक्चर का कि बेसिकली हम स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कैसे करते हैं प्रोग्राम के अंदर. तो स्ट्रक्चर आप पहले कीवर्ड यूज करेंगे, यहाँ पे हमने इसमें बताया भी है दैट स्ट्रक्ट विल बी फर्स्ट फॉलोड. सबसे पहले स्ट्रक्चर आएगा, स्ट्रक्ट आप यूज करेंगे, दैट विल बी द कीवर्ड ऑफ दैट स्ट्रक्चर एंड देन आप स्ट्रक्चर का नेम बताएंगे, दैट इज द टैग और स्ट्रक्चर टैग जिसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है दैट स्ट्रक्ट एंड स्ट्रक्चर नेम. स्ट्रक्ट एंड स्ट्रक्चर नेम के बाद आप इसके अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स को ग्रुप करेंगे एक सिंगल डेटा टाइप के अंदर जो स्ट्रक्ट है. स्ट्रक्ट इज अ सिंगल डेटा टाइप विच इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप एंड इन दिस यूजर डिफाइंड डेटा टाइप वी ग्रुप डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा टाइप्स टूगेदर. यहाँ पे हमने बताया कि स्ट्रक्ट वर्ड लेंगे आप, उसके बाद आप स्ट्रक्चर का नेम बताएंगे एंड देन आप डिफरेंट डेटा टाइप्स इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं. यहाँ पे हमने जो डिफरेंट डेटा टाइप्स मेंशन किए हैं वो है इंट, कैर एंड फ्लोट. इसी तरह से आप डिफरेंट डेटा टाइप्स को ग्रुप करते हैं. इन सभी डिफरेंट डेटा टाइप्स को हम कलेक्टिवली कहते हैं मेंबर्स और फील्ड ऑफ स्ट्रक्चर. So structure is what? A user defined data type. It is used to group different types into a single data type. इसमें आप struct keyword use करते हैं, इसके अंदर आप different items को list up करते हैं structure के अंदर और उन्हें हम कहते हैं members. Members या फिर field of structures. ये किसी भी valid data type के हो सकते हैं. ये तो था आपका कि किस तरह से आप डिक्लेयर करते हैं structures को. Now next is अगर हमें define करना है structures को, हम किस तरह से उन स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करेंगे. सो विद इन स्ट्रक्चर देयर आर एलिमेंट्स और आइटम्स व्हिच विल बी कॉल्ड एज मेंबर्स एंड आउटसाइड स्ट्रक्चर्स व्हाट वी आर गोइंग टू यूज वेरिएबल्स. विद द हेल्प ऑफ दोज वेरिएबल्स वी आर गोइंग टू एक्सेस द मेंबर्स इनसाइड द स्ट्रक्चर. लाइक इन दिस स्लाइड वी हैव यूज्ड स्ट्रक्चर employ structure, आपने struct use किया for the keyword and employ name आपने बता दिया structure का. अब इसके अंदर हमने क्या किया, employ का number लिया है, name लिया है, address लिया है, basic salary ली है. So these all are the members of
struct employee. Now what if you want to access these members? अगर आप इनको access करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे, इनको access करने के लिए कुछ variables को declare करेंगे. उन variables की help से हम इन members को access कर सकते हैं. अब members तो structure के अंदर है. Variables आप दो तरह से declare कर सकते हैं. Either within the end of the structure like this variable 1 and variable 2, जहां से आपका bracket off है, इसके बाद आपने variable 1 और variable 2 declare कर दिया that these are the two variables with the help of which we are going to access the members inside the structure. Next, अगर आपको आउटसाइड स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर की कंप्लीट कॉलम की बात, सेमी कॉलम की बात आपको उसको डिक्लेयर करना है, तो किस तरह से कर सकते हैं आप? पूरा स्ट्रक्ट का नेम लाइक स्ट्रक्ट स्ट्रक्चर नेम देन वेरिएबल वन एंड वेरिएबल टू, इस तरह से भी आप इसको डिक्लेयर कर सकते हैं. सो स्ट्रक्चर विल बी फॉलोड, इनसाइड विल बी मेंबर्स एंड आउटसाइड विल बी वेरिएबल्स. मेंबर्स विल बी एक्सेस्ड विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल्स व्हिच आर डिक्लेयर्ड आउटसाइड द स्ट्रक्चर. Next is with the help of which operator we are going to access those members. In with the help of dot operator we are going to access the members of the structure. अगर आपके program में आप pointer use कर रहे हैं तो आप arrow operator का भी use कर सकते हैं to access the members of the structure. Like structure name dot member one. इसमें अगर आपको एग्जांपल लेना हो तो आप कैसे लेंगे? स्ट्रक्चर नेम व्हाट वी हैव टेकन इन द अर्लियर स्लाइड्स, एम्प्लॉय वाज द स्ट्रक्चर नेम एंड डॉट मेंबर वन. मेंबर वन वाज इंट एम्प्लॉय नंबर. सो अगर आप इस तरह से इसको एक्सेस करेंगे तो हम डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं, स्ट्रक्चर का नाम बताते हैं एंड मेंबर बताते हैं. डॉट ऑपरेटर की हेल्प से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं मेंबर को. नाउ जब आप यहाँ पे देखेंगे, अगर जब हम अपने स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते हैं तो हम उस वक्त उसको मेमोरी प्रोवाइड नहीं करते. हम जब स्ट्रक्चर को आप बोल सकते हैं कि डिक्लेरेशन के टाइम पे मेमोरी इनिशियलाइज नहीं होती, स्ट्रक्चर को जब हम इनिशियलाइज करते हैं तब उसको मेमोरी हम प्रोवाइड करते हैं. तो कभी भी हम लोग स्ट्रक्चर के अंदर ही उसको आपको जो मेमोरी स्पेस है वो प्रोवाइड नहीं करेंगे. आप इनिशियलाइजेशन जैसे हम एरे में करते थे, जब आप उसको डिक्लेयर करते थे एरे को, उसी के टाइम पर आप उसको इनिशियलाइज भी कर देते थे. बट इन स्ट्रक्चर व्हाट वी डू, हम पहले स्ट्रक्चर बताएंगे एंड आफ्टर स्ट्रक्चर हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे एंड ओनली देन हम उन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करेंगे. तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है दैट अगर आपने एक स्ट्रक्ट लिया है, कीवर्ड आपने यूज किया, पॉइंट नेम ऑफ द स्ट्रक्चर एंड विद इन दैट स्ट्रक्चर वी हैव इंट एक्स द मेंबर, इंट वाई द मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर. इन दिस वी कैन नॉट इनिशियलाइज देम एट दिस सेम पॉइंट. आप मेंबर बताएंगे पहले एंड मेंबर बताने के बाद आप वेरिएबल्स के थ्रू उनको इनिशियलाइज करेंगे. आप डायरेक्टली वेरिएबल को डिफाइन करते वक्त, डिक्लेयर करते वक्त मेंबर्स को उनको इनिशियलाइज नहीं कर सकते. सो दिस इज नॉट द राइट वे. द राइट वे कैन बी डन इन मैनी वेज एंड द वन वे ऑफ डूइंग दिस सो इज बाय द असाइनमेंट ऑपरेटर. असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से आप वैल्यूज असाइन कर सकते हैं, मीन्स जो इनिशियलाइजेशन होगा वो आप असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से कर सकते हैं. इन दिस वॉट इज str? str इज द वेरिएबल. Struct is the keyword. Structure name, it can be any structure name, like in the previous slides we have used employee and in this previous slides we have used point. So koi bhi structure name ho sakta hai aapka. Struct keyword aata hai, then name aata hai and then aapka जो वेरिएबल आपने डिफाइन किया है, डिक्लेयर किया है, वो आता है. दैट इन दिस स्लाइड इज str. सो विद द हेल्प ऑफ डॉट operator what you are doing, you are accessing the members value and in this slide what we are doing, we are initializing the members value. So str means variable, then we have used what, dot operator and member 1 equals to value 1. So is tarah se aap isko इसमें वैल्यूज को इनिशियलाइज कर सकते हैं. आप इसको एक सिंगल लाइन में भी कर सकते हैं दैट str.member1 equals to value 1
एंड अगर आपको एक ही एम्प्लॉय के सारे डिटेल्स एक साथ देने हैं लाइक इन दिस व्हाट वी हैव टेकन द एम्प्लॉय डिटेल्स लाइक दिस एम्प्लॉय नंबर एम्प्लॉय नेम एड्रेस एंड फ्लोर. सो आप एक सिंगल मेंबर वन स्ट्रक्ट मेंबर वन इक्वल्स टू इस तरह से लिख सकते हैं दैट एम्प्लॉय नंबर विल बी 10 कॉमा इन्वर्टेड डबल कोट्स के अंदर आप उसका नेम दे दीजिए देन अगर डबल कोट्स के अंदर आप उसका एड्रेस प्रोवाइड कर दीजिए एंड बेसिक सैलरी प्रोवाइड कर दीजिए. सो अलग अलग भी आप वैल्यूज असाइन कर सकते हैं इनिशियलाइज कर सकते हैं और आप एक सिंगल लाइन में भी आप वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं. बेटर विल बी कि आप एक ही लाइन में वैल्यूज इनिशियलाइज करें सो दैट आपका जो लाइन ऑफ कोड है और कॉम्प्लेक्सिटी है प्रोग्राम की वो रिड्यूस हो सके. सो थैंक यू फॉर टुडे एंड वी विल कम विद अनदर लेक्चर कि इसमें हम और फर्दर तरीके से किस तरह से इनिशियलाइज कर सकते हैं.